लो जी, क्लास नाइन्थ के कंप्यूटर साइंस के पेपर नूं लैके हाजिर हाँ। इंग्लिश दे विच पेपर है, नवा ही सैंपल पेपर आया है, तो नाल दे नाल इसनूं पंजाबी च भी ट्रांसलेट करांगे। पहला क्वेश्चन तुसीं अपनी स्क्रीन दे उत्ते देख सकते हो, ऑल फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद एन ए डैश साइन। मतलब कि एक्सल विच जिन्ने भी फार्मूले शुरू हुंदे ने किहड़े साइन तो शुरू हुंदे ने, इहदा सही आंसर है जी इक्वल। इज इक्वल दे साइन तो जिन्ने फार्मूले ने वह शुरू हुंदे ने। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन है जी, शोट एंड फिल्टर कुमार लिखे हुआ है, इतने कमांड होएगा जी, शोट एंड फिल्टर कमांड अवेलेबल ऑन डैश टैब। शोट ते फिल्टर की जी कमांड है सानू कित्थे मिलती है, किहड़े टैब ते मिलती है? उहदा सही आंसर होएगा जी होम टैब ते, एम एस एक्सल दे विच होम टैब ते मिल जाती है। तीसरा क्वेश्चन तुसीं देख सकते हो, वी कैन डैश द वर्कशीट विंडो इन टू सैपरेट्स। ठीक है जी, यदा मतलब क्वेश्चन का मतलब की निकलता, वी कैन डैश द वर्कशीट विंडो, असी डैश कर सकते हैं वर्कशीट विंडो न इन टू वक्रे वक्रे हिस्सों के। आंसर है जी स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब है वंडना, असी वर्कशीट न वंड सकते हैं वक्रे वक्रे हिस्सों के। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है जी, नैटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डैश कंप्यूटर्स। हुण इहदा जो सही आंसर होएगा वह है जी मैनी, मैनी कंप्यूटर्स, या तुसीं लिख सकते हो टू और मोर कंप्यूटर्स। नैटवर्क डैश कंप्यूटर का समूह है, बहुत या बहुत ज्यादा, दो या दो तो ज्यादा, इहदा सही आंसर। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है, नैटवर्क डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अस। की नैटवर्क सानू सिक्योरिटी नहीं दिंदा? इहदा आंसर है जी फाल्स, नैटवर्क सानू सिक्योरिटी बिल्कुल दिंदा है। उस तो बाद अगला क्वेश्चन आ जाता जी, बाई डैश डाटा कैन बी शोन ग्राफिकली। तुसी किदे नाल जिहड़ा डाटा है ग्राफिकली शो करा सकते हो? इहदा सही आंसर होएगा जी चार्ट। एम एस एक्सल दे विच चार्ट दे नाल तुसी की कर सकते हो, ग्राफिकली शो करा सकते हो। उस तो बाद थले आने पार्ट सैकेंड, पार्ट सैकेंड दे विच तुसी देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर नूं विस्तार दे विच दसो। तुहाडे एम एस एक्सल दे विच, एम एस एक्सल वाले लैसन दे विच ये टॉपिक है, मर्ज एंड सेंटर की सहायता दे नाल या मदद दे नाल असीं की कर सकते हैं, दो या दो तो वध सैलां नूं आपस च जोड़ सकते हैं अते डाटा नूं सेंटर च लिया सकते हैं। इहदा सही उत्तर होएगा डिफाइन फिल्टर इन एम एस एक्सल। एम एस एक्सल दे विच फिल्टर का की काम होएगा? फिल्टर की सहायता दे नाल असीं किसी खास रिकॉर्ड नूं एम एस एक्सल दे विचों फिल्टर करके डिस्प्ले करवा सकते हैं, सामने लिया सकते हैं। ठीक है, इहदा सही आंसर ही होएगा। वट डू यू मीन बाय स्प्लिट इन एक्सल? एक्सल दे विच स्प्लिट तो की भाव है या इहदा की काम होएगा? स्प्लिट की सहायता दे नाल असीं एक सिंगल सैल नूं वख वख सैलां दे विच बदल सकते हैं, सो ये स्प्लिट का काम होएगा एक्सल दे विच। एक्सप्लेन डबल्यू ए एन, जिन्हों आप वाइड एरिया नैटवर्क भी कहने, वाइड एरिया नैटवर्क नैटवर्क का एक भाग है जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा लार्ज वड्डे खेत्र दे विच फैलिया होया हुंदा है। उदाहरण के तौर पर असी कह सकते हैं जिमें इंटरनेट नैटवर्क है वह वाइड एरिया नैटवर्क की एक उदाहरण है। वट इज स्टार टपोलॉजी? स्टार टपोलॉजी नैटवर्क टपोलॉजी का एक हिस्सा है जिस दे विच जिन्ने भी कंप्यूटर ने वो सारे एक सेंट्रलाइज डिवाइस हब के नाल जुड़े होंगे ने, अते जेकर एक कंप्यूटर उहदे विचों खराब भी हो जाता है तो साढ़े सारे कंप्यूटर जिहड़े ने नैटवर्किंग तो नहीं टुटते क्योंकि वह सेंट्रलाइज डिवाइस हब नाल जुड़े ने। उस तो बाद अगे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द नीड्स ऑफ नैटवर्किंग विद एग्जाम्पल। नैटवर्किंग की जरूरत क्यों पई उदाहरण सही दसो। तुहानू दस दईए नैटवर्किंग की जरूरत डाटा शेयर करन दे लई पई, हार्डवेयर शेयर करन दे लई पई। इस तो इलावा जेकर कोई मल्टीमीडिया कंटेंट है तुहाडा, मल्टीमीडिया कंटेंट तुसीं शेयर करना चाहते हो, उस दे लई नैटवर्किंग की जरूरत पई। सो विद्यार्थी अपने वालों भी सोच सकते हैं कि नैटवर्किंग या कह लिए इंटरनेट वो तो जो जो काम होंगे ने असी इस लिख सकते हैं। वट इज़ कंडीशनल फॉरमैटिंग? एक्सप्लेन इन डिटेल। कंडीशनल फॉरमैटिंग की होंगी है विस्तार दसो। तुहानू दस दईए कंडीशनल फॉरमैटिंग एक खास टूल है ताडे एम एस एक्सल। एम एस एक्सल जो असी डाटा भरिया होंदा है कंडीशनल फॉरमैटिंग की हैल्प दे नाल असी की कर सकते हैं,
डाटा नू फिल्टर कर सकते हैं कंडीशन लगा के। अगर तुम चाहते हो कोई खास डाटा हाईलाइट करना है, जिमें कि कुछ बच्चों ने मार्क्स लिखे हुए हैं, उन्होंने मार्क्स के चाहते हो कि जिन्हों के मार्क्स 80 के उत्ते ने, तुम कंडीशनल फॉरमैटिंग की सहायता के नाल इफ की कंडीशन लगा के उन्होंने मार्क्स को हाईलाइट करवा सकते हो। उस तो बाद क्वेश्चन आ गया जी, वट आर द मैथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, डाटा को ट्रांसमिट या भेजण के लिए किहड़े किहड़े मैथड का इस्तेमाल किया जाता है। तीन तरह के होंगे ने जी, एक हो गया जी सिंपल डुपलैक्स, सिंगल डुपलैक्स जिन्हों आप कह लें, सैकेंड होंगे जी हाफ डुपलैक्स, थर्ड होंगे जी फुल डुपलैक्स। सिंगल दे विच जो डाटा वै वो एक तरफा संचार होंगे, हाफ दे विच दो तरफा होंगे, पर पहला मैसेज पहुंचेगा दूसरा उस तो बाद करेगा। जिहड़ा फुल डुपलैक्स होएगा उहदे विच दो तरफा संचार होंगे एट ए साइमनटेनियसली, एक समय दे विच ही दो तरफा संचार होंगे। उस तरह डाटा वैलीडेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, डाटा वैलीडेशन तो की भाव है, एम एस एक्सएल वाले लैसन दे विच इह तुहाडा क्वेश्चन है। डाटा वैलीडेशन दे नाल असी डाटा दे उत्ते वैलीडेट लगा सकते हैं, मतलब कि जो तुसी डाटा भर रहे हो किन्नी वैल्यू तक डाटा तुहाडा भरिया जाए। तुसी एम एस एक्सएल दे डाटा टैब ते आके डाटा वैलीडेशन नूं अनेबल करके उहदे विच लिमिट लगा सकते हो लैस दैन ते ग्रेटर दैन दी। उसे तरह अगला क्वेश्चन आ गया जी, वट इज़ फॉर्मूला, राइट डाउन द स्टैप टू क्रिएट ए सिंपल फॉर्मूला इन एक्सएल। एक्सएल दे विच फॉर्मूले तो की भाव है, एक्सल दे विच फॉर्मूला एक फंक्शन है जिहदी सहायता दे नाल असी मैथामैटिकल कैलकुलेशनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी उहदे विच वैल्यूज लिखी हुई ने उन्हां दा सम करवाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाना है, वह तुसी फॉर्मूला की हैल्प दे नाल कर सकते हो। अगर तुसी फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला यूज करन दे लई तुहानू पहला भी एक एमसीक्यू दे विच क्वेश्चन सीगा कि जिहड़ा भी फॉर्मूला है वह स्टार्ट हुंदा है इक्वल तो, इक्वल दे नाल असी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये तुहाडे रिवाइज करने वाले क्वेश्चन ने, तुसी अपनी स्क्रीन के उत्ते देख सकते हो नाइन्थ क्लास के कंप्यूटर साइंस के पेपर दे। सो इस वीडियो च इन्ना ही, धन्यवाद।